थैंक यू। तो मैंने मंगवा लिया अपना कॉटन कैंडी मेकर यार, बचपन में बुढ़िया के बाल सबने खाए हैं और वो एक बचपन की यादें थी। मेरे को ये दिखा अमेज़न पे तो मैंने सोचा मंगवा लिया जाए, वैसे तो मैंने लोकल भैया से मंगवाया है। आप लोग अमेज़न से भी मंगवा सकते हो। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड इसको ट्राई करने के लिए। और मैंने ना 3 दिन से इसके लिए शुगर में कलर्स मिला के रखे हुए, कलर्स नहीं बताऊंगी क्या क्या मिला है। तो स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं इसको जल्दी से। लोग बोलते हैं सीजर से, बट मेरे को काम चलाना पड़ेगा चक्कू से। बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट, जैसे कि एक्टिविटीज़ होती है ना जिनको शौक है किचन में काम करने का, बहुत सारे से बच्चे होते हैं बचपन में, उनको उनके लिए भी हम लोग मंगवा सकते हैं। ओए होए 1100 रुपये का ये मुझे पड़ा है। और ये क्या क्या आ गया, ये मैंने क्या खोल दिया मुझे ऐसा लग रहा है। ओके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। इसके अंदर इसका आपके साथ मिला स्पैचुला और ये स्टिक्स। ये बॉक्स की कुछ इस तरीके की हालत है और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मेरे को पिंक मिला है लकी। और यहाँ पे आपको मिला एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और ये देखो ये स्टिक्स मिले जिसके अंदर हम वो कॉटन कैंडी बनाने वाले हैं। तो इसको रखते हैं और इसको थोड़ा प्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक थोड़ी हल्की सी लग रही है मुझे, इसे क्वालिटी होती है ना बढ़िया, वो जानदार नहीं लग रही। इसके साथ हमें एक मिली है मोटर। और ये क्या क्या मिला है यार, ओ ओ एक ज़माना हुआ करता था जब 5 रुपए की 2 रुपए की कॉटन कैंडी बुढ़िया के बाल आया करते थे, लेकिन आज अगर आप मॉल में चले जाओगे ना 100-100 रुपए का मिलता है। बाप रे इतने कम टाइम में इतना ज्यादा वो हो गया। इसको लगा लेते हैं इसके अंदर। ओ इसके अंदर ना वैक्यूम है, ये सही है वैसे यार, मतलब आप रख दो प्लेस कर दो तो बच्चों के साथ वो भी नहीं होगा। ये देखो मैंने अभी स्टार्ट वो लगाया और इसके अंदर ये देखो ये है, शायद ऐसा नहीं लग रहा जैसे वैक्सिंग मशीन होती है। इसको बंद कर देते हैं। हाँ लड़कों को क्या ही पता होगा, किसी दिन करेंगे वो चैलेंज। बाय द वे ये हम लोग नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें फूड टेक विद प्रियंका, बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। तो जल्दी से कर लो फॉलो सब्सक्राइब जहाँ पे भी देख रहे हो, और अगर पसंद आता है हमारा कंटेंट तो लाइक करो यार, शेयर करो। अभी इसको करते हैं प्लेस, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो पहले मशीन सेटअप करते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने जुगाड़ क्या किया है। इसके साथ हमें मिली है कुछ ये प्लेट, आई थिंक इसके अंदर हम लोग शुगर डालेंगे और इसको हमें लगाना है इसके अंदर। अगर आपके बच्चों के लिए आप ये मंगवा रहे हो या आप खुद के लिए मंगवा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये गर्म हो जाता है और जलना वलना नहीं है, प्यार से खेलना है। इसको लगाते हैं। बचपन में क्या होता था, इसको देख के ना मुझे पापा की वो याद आ गई, खिलौने लाते थे हमारे लिए, हम नहीं खेलते थे उनसे पहले, वो उसे खोलते थे, उसका कुछ चुम्बा निकालते थे, कहाँ से कोई पेच निकालने कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद जब कुछ बच्चा आता था ना उसके बाद हम उससे खेलते थे। तो इसको करते हैं स्टार्ट। ओ बाप रे, ओके स्टार्टिंग में थोड़ी सी आवाज़ करी, उसके बाद स्मूथ हो गया। ये बंद कर दे एक बार, ढंग से लगा भी है। 1100 रुपये में ठीक है, क्वालिटी और बेटर हो सकती थी इस प्लास्टिक की। इसके साथ हमें मिला ये स्पैचुला। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या जुगाड़ करा है। ये मैंने ना चीनी कलर्ड वाला, बाहर से एक्सपेंसिव पड़ रहा था और अगर शुगर कैंडी खा रहे थे यार कलरफुल होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मैंने चीनी में ना अनार का रस मिला दिया है, ठीक है। इसमें मिला दिया मैंने हल्दी जुगाड़ के लिए, सही लग रहा है ना रिशु। और इसमें मिलाया मैंने पालक का वो रस निकाल के अच्छे से कूट के। और ये तो अपन करते हैं स्टार्ट। आई एम एक्साइटेड, भगवान का नाम लो और इसको करो जी शुरू। पहली बार कर रही हूँ मैं ऐसा कुछ, ढंग से लगा है पता नहीं, आवाज पहले आ रही थी अब नहीं आ रही। चालू कर दिया तूने? चालू कर दिया, हो गया चालू, डालना शुरू करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। ये हमने लिया है, आप भी देसी जुगाड़ कर सकते हो। ओ भाई आई थिंक बंद करके डालूं है वो ज्यादा सेफ रहेगा। मेरे घर में चीनी चीनी हो जाएगी। हाँ इसको बंद करते हैं पहले। यही होता है जब इंसान इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ता, और मुझे पता है आप में से भी आधे लोग नहीं पढ़ते होंगे, सब अपना दिमाग लगाते हैं मेरी तरह। ये इसके अंदर डाल देते हैं अपन और भर दो इसको। भर दूं? मेरे को चाहिए 100 वाला। 100 वाला चाहिए ऋषभ को। लेकिन तुझे कौन सा चाहिए? मेरे को तो भाई बस खिला दो, भूख लग रही है इससे, भूख नहीं इससे वो ज्यादा भर रहे भाई, आप टेस्टी होगी, ज्यादा भर दिया क्या? लेट्स सी, चलो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अपनी मुंडी पीछे रखना पड़ेगा जी। ओए ये क्या, कुछ हो क्यों नहीं रहा? कहां गया वो भी जी? नहीं अभी ये हीट होगा ना, ठीक है गाइस वेट वेट देखते हैं क्या होता है। ये सारा रस तो बाहर आ गया, क्या हो रहा है? ये एक्सपेरिमेंट मेरा हो गया है फेल, जो रस था वो तो साइड में लग गया है, लेकिन अब
दो मिनट बाद ही कॉटन कैंडी बनना शुरू हो गई, इसके अंदर क्या हुआ है? ओके ओके, मुझे लग रहा है ऐसे करना पड़ेगा मुझे। प्रियंका तो एक्सपर्ट है यार, है ना? ओ भाई मजे यार, ये तो क्या सही लग रहा है। दो तीन बार बनाने पे ही समझ आएगी कैसे होगा। वैसे ही रोटेट करती रहे, अब ऐसे ही खड़ा करके रोटेट करते रहो यार, ऊपर कर लो इसको और अब रोटेट करते रहो। ये मस्त हो गया यार, ये क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरा गंदा सा भाई? ये तो फेंक फेंक के मार रहा है ऐसे होगा शायद, है लेकिन अब सही आ रहा है, मजा आ रहा है। यस, अब सीख गई हूँ मैं, अब लगाते हैं अपनी स्टॉल। ठीक है दीदी, ओए आ गया बढ़िया मस्त। पर ये कलर नहीं आया, रेड कलर नहीं आया। ये ना बनाने के बाद ना घर वालों को खिलाएंगे, ठीक है? क्या कहता है, चीनी खत्म हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है। ओए मस्त हो रहा है गाइज, अपने ना किड्स के लिए या अपने भाई बहन छोटे हैं उनको मतलब खिलौने कुछ इंजॉय कराने के लिए ले सकते हो, या आपके घर में बच्चे हैं और कैंडी कॉटन कैंडी के शौकीन हैं तो उनके लिए ले सकते हो। इसको थोड़ा सा बंद कर दें क्योंकि मुझे लग रहा है चीनी खत्म हो गई है अंदर की, अब बन नहीं रहे बुढ़िया के बाल। ओए वाह, यस, बहुत ही बुरी हूँ मैं इस चीज़ में, वाहेगुरु। तो ऐसा कुछ बना, ये है ही वाइट कलर का, सारा रस तो पहले निकल गया, तो अपन इसको ट्राई करवाएंगे हमारे भैया जी से। ए यार ट्राई करो, कॉटन बुढ़िया के बाल कैसे है? फ्लेवर आ रहा है अनार का? चीनी आ रही है, चीनी आ रही है, मतलब लग रहा भाई, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है बाहर का होता ना। इसके लिए मैं आपको क्या दूं यार, ये बहुत टेस्टी है। एक और बनाए क्या, एक और बनाते हैं राउंड टू, ट्राई करते हैं। अपन डालते हैं ग्रीन वाला क्योंकि रेड वाले तो तू धोखा दे दिया, गुस्सा आ रही है मुझे, थोड़ा ज्यादा डालूंगी इस बार। कलर कलर गायब हो गया ना, सिर्फ चीनी चीनी रह गई। हाँ यार, वाइट कलर की कॉटन कैंडी कौन खाता है, मजा नहीं आता है। अब ये ना गर्म हो चुकी है मशीन, तो मुझे लग रहा है थोड़ा डर, लेकिन ये ओके। आपको सिर्फ आधे मिनट का वेट करना है और आपकी जब मशीन गर्म हो जाएगी ना तो आपको मिलेगा आपका मस्त मस्त कॉटन कैंडी। ये देखो अब आ रहा है ना जाल में, ये बनी बात, ये आएगा कलर, आएगा। हाँ हाँ आएगा, शुरू में दिक्कत दे रहा है थोड़ी, पर मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 में मैं बढ़िया एक्सपर्ट हो जाऊंगी कॉटन कैंडी बनाने वाली। पर भाई बहुत स्लो है यार, बस भाई इंतजार कर। ये देखो ओए होए कैसे तेज आएगा ना, ये अब आ रहा है ना, ये देखो, ये मशीन गरम होने के बाद यार एकदम मस्त लग रहा है, मतलब एक्सपीरियंस होता है ना, एक मस्त एक्सपीरियंस है 1100 रुपए में, मेरे को तो मजा आया। ऋषि याद है हम लोगों ने एक मशीन कॉटन यानी मशीन की वीडियो बनाई थी, वो कितने सुंदर सुंदर बना रहा था, बाप रे। और मेरा देखो, बट स्टिल ठीक है, बेटर है, मैं टेक्निक समझ गई। इसको आपको ऊपर लेकर आना है, इसे गोल गोल घुमाना है, बस सिंपल। ये बन रहा है ना मस्त। अगर कोई भी बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, जल्दी से अपने मम्मी पापा को टैग कर दो इस वीडियो में और बोल दो कि मशीन चाहिए, बट थोड़ी क्वालिटी और बेटर हो सकती है इस मशीन की, मे बी और सारे बहुत सारे वेरिएंट्स आते हो, लेकिन ठीक है 1100 रुपए में वर्थ है। अगर हमने 10 कॉटन कैंडी भी बना ली ना इसमें तो हमारे हो गए पैसे वसूल। और अब तो ये पक्का है कि मेरे घर में जितने बच्चे आएंगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, कहेंगे दीदी दीदी हमें भी खिलाओ। मैंने सोचा इस बार बड़ी वाली कॉटन कैंडी बनाई जाए, तो मेरी चीनी खत्म हो गई थी और डाल दी है, इस बार थोड़ी येलो डाली है, और ये देखो कैसे उड़ रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, नीचे लगा हुआ है हीटर और ऊपर वो प्लेट में जो चीनी डाल रही है उसे मेल्ट करके इसके रेशे को बाहर फेंक रही है। मस्त है ऐसे यार, मजा ही आ गया आज तो। ये हुआ ना बढ़िया कॉन्टेंट, ये आया मजा करने में यार। पर मुझे वो बुढ़िया के बाल जो बूढ़े अंकल बनाते थे ना, वो नहीं आएगी भाई, उसमें लगेगा उम्र लग जाएगी उसमें। अरे थोड़ी स्लो भी है मुझे ऐसा लग रहा है मशीन हमारी। What do you say guys? कैसी लग रही है? लगा ले स्टॉल फिर कहीं? आओगे आप लोग हमारे पास इसे खाने? 50 रुपए, 150 रुपए देगा। ये हो गया खराब, हम सब कुछ यही ठीक है। ओह माय गॉड, इसको करते हैं बंद। और ये था, और हल्दी की, क्योंकि मैंने इसके अंदर मिलाई थी हल्दी, और अब हल्दी हल्दी हो रहा है पूरे घर में स्मेल। आपको ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, और क्या ट्राई करवाते हुए देखना चाहते हो बताना। मैं इसको करती हूँ साफ, घर वालों को थोड़ा खिलाती हूँ, मजे कराती हूँ। आप लोग यार, आप लोग एक बात बताओ, अगर बाय चांस कभी हमने कुछ ऐसा किया कि हम लोग कहीं स्टॉल लगा रहे हैं और हमने आपको बता दिया 2 दिन पहले 1 हफ्ता पहले कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं कुछ चीज़ सेल आउट करने के लिए, क्या आप आओगे हमसे मिलने के लिए वो चीज़ खरीदने के लिए?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वी आर वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, अच्छा मजेदार। तो मिलती हूँ आप लोगों से किसी और फूड टेक में प्रियंका के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये वाला एक बार ट्राई करते हैं, चीनी है बट वो सॉफ्टनेस मजा आ जाता है खा के यार, बचपन की यादें ताजा हो गई और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे खुद बनाऊंगी। मस्त है।